सारा सब लोग करते हैं, तीन काम सब लोग करते हैं। पहला काम खाना, सब लोग खाते हैं। दूसरा काम सोना, खाना सोना। आप खाते हैं तो कुत्ता बिल्ली सुअर सब खाते हैं, आप सोते हैं तो कुत्ता भी सोता है, मतलब जो आप करते हैं वही सब लोग करते हैं। तीसरा बच्चे पैदा करना, आप खाते हैं तो सुअर खाता है, आप सोते हैं तो कुत्ता सोता है, आप बच्चे पैदा करते हैं तो चिड़िया भी बच्चे पैदा कर लेती है, हाँ या ना? ये तीन काम सब लोग करते हैं, खाना पीना और सोना, खाना सोना और बच्चे पैदा करना। ये मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने नहीं, बल्कि ये शरीर को पाकर उस परम तत्व को प्राप्त करना है जो तत्व अनमोल है, जो ईश्वर अनमोल है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उनमें ध्यान लगाना है, संसार की हाय हाय छोड़कर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। प्रहलाद जी अपने मित्रों से कीर्तन करा रहे हैं कि तुम भी भजन करो, तुम भी भगवान के नाम का आश्रय लो। तब हिरण्यकश्यपु आ गए और बोले कि चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। तो प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सब जगह है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मिश्री में मिठास होती है, क्या दिखाई पड़ती है? नहीं, जब चखोगे तब उसका स्वाद पता चलेगा। अरे जब भक्ति करोगे तब परमात्मा का अनुभव होगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह है, क्या इस खंभे पर तेरा भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंभे पर, खंभा टूट गया। और प्रहलाद जी के वचन मिथ्या ना हो, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए खंभे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अपने भक्त के शब्दों को मिथ्या नहीं होने देते, सत्य करने के लिए प्रकट हो गए और प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन किया। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु हूं। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु बोला, मैं नहीं मरूंगा, ना मैं रात को मरूं ना दिन को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, बताओ भगवान ने कब मारा हिरण्यकश्यपु को? ना दिन के मरूं ना रात को मरूं, तो कब मारा? संध्या के समय, शाम के समय, ना ये दिन है ना, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, बताओ तो कैसे मारा भगवान ने? फिर कैसे मारा? ना खून से, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। भगवान बोले, हमने कोई फैशन में छोड़ी बढ़ा रखे हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं। बोले, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरेंगे, फिर बताओ कब मारा भगवान ने? आप बताओ किस महीने में मारा भगवान ने? 12 महीने में मरेगा ही नहीं। चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादों कुमार कार्तिक कभी नहीं मरेगा, तो कब मारा भगवान ने? 12 महीने के सिवा भी कोई महीना होता है क्या? बोलो, होता है कि नहीं? 12 महीने के सिवा भी कोई महीना होता है क्या? आप बताओ, बोलो मेरे भैया, हाँ या ना? नहीं होता? ये भैया कह रहे नहीं होता। आप बताओ भैया, होता है कि नहीं? कौन सा? इन बच्चों को बताओ, इन्हें पता नहीं है। वो महीना है पुरुषोत्तम महीना, हर 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है। इस बार आने वाला है सावन का महीना, 2 सावन है इस बार। तो भगवान नरसिंह भगवान ने पुरुषोत्तम महीना में मारा, ना दिन में ना रात को, शाम के ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना खून, ना 12 महीने में किसी महीने। भगवान बोले, 13वां महीना चल रहा, अब तो मरेगा? बोले, अभी भी नहीं मरू, ब्रह्मा के बनाए किसी इंसान से, किसी जीव जंतु से नहीं मरू, अब बताओ कैसे मरे? ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरता। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, मैं ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, बताओ फिर कैसे मरे? क्यों कैसे मरे बताओ?
भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। अब तो मरेगा। छाती विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल के भगवान नरसिंह ने माला पहन ली और क्रोध की अग्नि में भगवान, पूरी पृथ्वी डगमग 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 डोल रही है। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, माँ लक्ष्मी आई और पति का ऐसा रूप देख के भागी, सारे लोग भाग गए। अब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी को देखकर भगवान का गुस्सा शांत हुआ। अपनी गोद में बिठाकर भगवान ने प्रहलाद जी को जिह्वा से चाटना स्टार्ट किया। बेटा प्रहलाद, तुम बहुत कष्ट उठा करके तुमने, प्रहलाद ने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान के भक्तों को कष्ट से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि आप दसवीं पढ़ते हैं और दसवीं से ग्यारहवीं जाते हैं तो एग्जाम देना ही पड़ता है। आप कॉलेज जाएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास जाएंगे तो आपको एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। सिंपल है, जिन्हें आगे की क्लास में जाना है उन्हें तो एग्जाम देना पड़ेगा, जिन्हें जाना ही नहीं है उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिनके जीवन में जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, और आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको पास होना है। हर परिस्थिति में आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना, आपको सत्य नहीं छोड़ना और भगवान पर विश्वास आखिरी दम तक बनाए रखिएगा।